हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के फूड हब में। आज की रेसिपी है रोस्टेड काजू, और काजू को रोस्ट करने का आज एक अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगा। नॉर्मली क्या है कि काजू रोस्ट करने के लिए हल्का सा घी ऑयल वगैरह का यूज़ करते हैं, या मसालेदार भी काजू भी बनाना हो तो कुछ मसालों के साथ घी और ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस रेसिपी में ना आपको घी लगेगा ना ऑयल की ज़रूरत होगी, जस्ट आपका काजू रोस्ट हो जाएगा और वो भी एक हेल्दी स्नैक्स तैयार हो जाएगा आपके लिए। और इस हेल्दी स्नैक्स को आप चाय टाइम में यूज़ कर सकते हो, बच्चों के लिए दे सकते हो, घर में बुज़ुर्ग हों उन्हें दे सकते हो, ये कम्प्लीटली सेफ होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काजू रोस्ट करने के लिए हमने एक कढ़ाई चढ़ाई है और कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने देते हैं। इसके बाद हम इसमें नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, करीब 250 से 300 ग्राम तक नमक हमने कढ़ाई में लिया है और इसे गर्म कर रहे हैं। नमक के गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। ये नमक को फैला दिया हमने अच्छी तरह से एंड वेट कर रहे हैं ताकि अच्छी तरह से हीट हो जाए नमक। ये देखिए नमक अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और इसमें हम करीब 250 ग्राम काजू रोस्ट करने के लिए डाल रहे हैं और अच्छी तरह से है। जब नमक रोस्ट हो जाए, अच्छी तरह से गर्म हो जाए, तो हमें हल्के हाथ से इसे चलाना है और आंच को धीमा कर देना है, वरना तेज़ आंच पे ये जल जाएगा और जो काजू है वो ज़्यादा अच्छा रोस्ट नहीं होगा, जला जला सा हमें खाने में लगेगा। तो इसे हल्के हल्के हाथ से चलाते रहना है, ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलाना है वरना काजू जो है टूट जाएगा। और धीरे धीरे इसे चलाते हुए रोस्ट करेंगे, करीब 1 से 2 मिनट रोस्ट करने में ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएगा। देखिए ये ओवर रोस्टेड है तो इसे हमें नहीं होने देना है और कंटिन्यूस चलाना है अच्छी तरह से। और जब भी आप मार्केट में काजू लेने जाओ तो उसमें क्या करना है कि काजू का एक नट्स जैसे आपने उठाया और उसमें हल्का नाखून लगाओ। अगर आपके नाखून में कुछ ऑयल आ रहा है, ऑयली फील हो रहा है, इसका मतलब काजू जो है वो असली है, मतलब इस काजू से पहले ऑयल निकाला नहीं गया है और आपको ओरिजिनल चीज़ मिल रही है। तो जैसे ही बड़े बड़े दिखने लगे ये नट्स, इसका मतलब ये देखो काजू जो है फुल्ली आपका कुक हो चुका है, रोस्टेड है। और जल्द ही हम इससे कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। काजू रोस्ट हो चुका फाइनली, अब मैं इसे निकाल रहा हूँ और हम इसे किसी फाइनल प्लेट में निकाल लेंगे। और ये नमक आपका बिल्कुल वेस्टेज नहीं है, इस नमक का इस्तेमाल हम फिर किसी चीज़ को बनाने में कर लेंगे। अब इस नमक का इस्तेमाल होगा कहाँ पर तो ये भी मैं आपको बता दूँ। कुछ भी आपको रोस्ट करना हो, नट्स रोस्ट करने हो तो आप इस नमक का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर केक बनाना हो तो भी आप इस नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए काजू हमने यहाँ अलग निकाल रखा है और इसे हम थोड़ी देर के लिए, जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख रहे हैं। ये देखिए ये लगभग ठंडा हो चुका है और जैसे ही हम इसे अलग करेंगे, ये देखिए जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है उसे अलग कर लेंगे और बाकी को हम डिश आउट के लिए निकाल लेते हैं।
रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।